आज हम इंडस्क्रीन के बारे में बात करेंगे, जिसे आउटरो भी कहते हैं। तो यूट्यूब पर हम इंडस्क्रीन कैसे लगाते हैं, उसके लगाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इंडस्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो लास्ट में क्या होता है, एक दो वीडियो सजेशन में आता है वहाँ पर लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट में उसी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर दिखते रहता है, उसे हम आउटरो कहते हैं, इंडस्क्रीन कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आप हमें फॉलो कीजिएगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर हैं तो आप डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ से यूट्यूब ओपन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल पर हैं तो मोबाइल पर भी जाके आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद यूट्यूब ओपन करना है, उसके बाद उसे क्या करना है, आपको डेस्कटॉप मोड में आपको ले आना है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट मोड जो होता है उस पर ले आना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको देखिए राइट साइड में यहाँ कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको देखिए डैशबोर्ड के नीचे कंटेंट का यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कंटेंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो भी आपके चैनल पर जितने भी वीडियो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहीं पर से आप वीडियो सेलेक्ट कीजिएगा जिस पे आपको इंडस्क्रीन लगाना है। उससे पहले मैं आपको इंडस्क्रीन चला के दिखा देता हूँ तो इंडस्क्रीन किस तरीके से दिखता है और इसका क्या बेनिफिट होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे वीडियो के लिए। ये हमारा एक वीडियो है, ये प्रेजेंट में इस पे सबसे ज़्यादा व्यू आ रहा है, तो इसे हम चला के क्या करते हैं देखते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही वीडियो के अंत होने लगा तो यहाँ पर देखिए एक ये वीडियो आ गया और एक ये वीडियो आ गया और ये एक सब्सक्राइब का यहाँ पर एक आइकन है, इस पे जाएंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, यहाँ से हम सब्सक्राइब कर सकते। तो ये एंड स्क्रीन लगाने से, जिसे आउटरो कहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ये हमारा वीडियो जो भी अंत तक देखेगा तो उसके सामने ये लास्ट में ये वीडियो आ जाएगा सजेशन में, ठीक है, तो वो इस पर भी क्लिक करके और इस वीडियो को वो देख सकता है। देखिए इस वीडियो को इस तरीके से देख सकता है, तो इस तरीके से इस वीडियो पर व्यू आने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, जब हम यहाँ पर जाएंगे लास्ट में, इसके लास्ट में, ठीक है, इसके लास्ट में जाएंगे फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप, अगर वीडियो अच्छा लगा हमारे। अब देखिए अब इस वीडियो के लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर भी जो भी देखेगा यहाँ पर लास्ट तक, उसके पास इस तरह का फिर से यहाँ पर इंडस्क्रीन आ जाएगा, तो फिर इस वीडियो पे क्लिक करके वो इस वीडियो को भी वो बात कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारे जो भी वीडियो रहेगा इंडस्क्रीन पर उसमें व्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंडस्क्रीन आप भी हर वीडियो में लगाएं जिससे कि आपके वीडियो पर व्यू आ सके। अब हम इंडस्क्रीन लगाने के लिए बताते हैं, तो उसके लिए क्या करिएगा, आपको जिस वीडियो पर आपको इंडस्क्रीन लगाना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए हम इस वीडियो को ले लेते हैं, एक नीचे ये वीडियो है, क्लिपिंग मास्किंग का एक वीडियो है, इस पर क्लिक कीजिएगा वीडियो पे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, राइट साइड में देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन रहेंगे, सबटाइटल, इंडस्क्रीन और कार्ड। तो हमें इंडस्क्रीन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इंडस्क्रीन आपको बना बनाया मिल रहा है, इसमें देखिए दो वीडियो, एक सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर एक वीडियो एक सब्सक्राइब बटन है, तो इसी तरह का यहाँ पर इंडस्क्रीन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पर वीडियो लगा हुआ आ जाएगा पहले से ही, देखिए, ठीक है, यहाँ पर जाइएगा तो देखिए इस पर वीडियो लगा हुआ है, इस पर जाइएगा तो इस पर वीडियो लगा हुआ। अब आपको क्या करना है कि जैसे इस पर हमें स्पेसिफिक वीडियो लगाना है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए जाइएगा, उसके बाद यहाँ से वीडियो आपको चूज कर लेना है जो वीडियो उस पर लगाना चाहते हैं। या आपको क्या करना है, इस पर रहिएगा, उसके बाद यहाँ से डिलीट प्रेस कर देना है। अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट यहाँ पर एंड स्क्रीन रहे उसे डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ डिलीट हो गया। अब अपने तरीके से वीडियो लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ प्लस का एक आपको बटन दिखेगा, इस प्लस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो से यहाँ पर लगाना चाहते हैं इंडस्क्रीन में तो वीडियो ले लेंगे और यहाँ पर देखिए खाली सा यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन आ जाएगा। अब इस पर आप कौन सा वीडियो लगाना चाहते हैं, यहाँ देखिए सेलेक्ट है मोस्ट रिसेंट अपलोड, जो अभी अपलोड हुआ है वो वीडियो ऑटोमेटिक इस पर लग जाएगा, नहीं तो आपको बेस्ट फॉर व्यूअर, जो वीडियो आपका ज़्यादा व्यू आ रहा है वो सेकेंड पर लगा सकते हैं और चूज कर सकते हैं। यहाँ तीसरा है चूज स्पेसिफाई वीडियो, तो यहाँ से आप अपना वीडियो चूज कर सकते हैं कि कौन सा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड हम लगाना चाहते हैं। आप जो भी वीडियो लगा रहे हैं उस पर इंडस्क्रीन पर तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जिससे रिलेटेड वीडियो चल रहा है उसी से रिलेटेड आप रखें। तो यहाँ पर क्लिपिंग मास्किंग है तो यहाँ पर हमें उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए हम ले लिए यहाँ पर वीडियो। उसके बाद सेकंड वीडियो ले लेते हैं, यहाँ से वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम चूज कर लेंगे और एक और होगा हमारा एडिटिंग का वीडियो यहीं पर, ये सेकेंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पर लगा लिए। अब हमें एक सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर बटन लगाना, सब्सक्राइब का,
जहाँ से सब्सक्राइब पर लगा सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इसी तरह का एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा और वहाँ पर देखिए जो भी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिएगा वो प्लेलिस्ट वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में पहुँच जाइएगा, या जो भी इस पर क्लिक करेगा व्यूअर वो प्लेलिस्ट में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन लगाते हैं, तो प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ सब्सक्राइब है इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, बीच में रख लीजिएगा, और इसका जो आउटलाइन आ रहा है उसे क्या करेंगे, यहाँ पर शो आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर शो आउटलाइन जो है यहाँ पर टिक नहीं रहना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर आउटलाइन उसका नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसे हम चला के देख लेते हैं, हमारा अच्छा लगा तो क्या होगा, ये एक साथ ही आ रहा है तो हमें एक एक करके लाना, तो क्या करेंगे इसे पहले थोड़ा सा इधर कर देंगे, फिर इसे पकड़ के हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और इसे करके इससे थोड़ा सा पीछे कर देंगे, अब चलाएंगे तो ये क्या होगा, देखिए एक एक करके आएगा, पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड वीडियो, फिर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहाँ देखिए ऊपर में सेव का बटन है, ठीक है, आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा। अभी हमारा यहाँ पर एंड स्क्रीन इस पर सेव हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब इस वीडियो को आप चला के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आपको चला के दिखाते हैं, तो जो वीडियो था यहाँ से वीडियो में जाएंगे, ये वीडियो था, देखिए इस तरह से इफेक्ट इसमें आ जाएगा, कैसे कि ये सेकंड पार्ट हमारा अच्छा लगा होगा आपको कि कॉलेज में। अब देखिए यहाँ पर इंडस्क्रीन इस तरीके से आ रहा है, तो व्यूअर क्या करेगा, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप वो वॉच कर सकता है। तो ये था तरीका इंडस्क्रीन लगाने का। अगर आप इंडस्क्रीन एक और तरीका है लगा सकते हैं, आप वीडियो को पहले जब अपलोड कर रहे हैं उसी समय भी लगा सकते हैं, उस समय भी ऑप्शन देता है इंडस्क्रीन लगाने का, तो उस समय भी इसी तरीके से आप इंडस्क्रीन लगा सकते हैं। तो आशा है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे दूसरे भी लोगों को फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरीके का यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।